हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अक्षय बुदुलवा एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉर्नर। देखिए, आज के ये वीडियो में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने वाले। तो देखिए, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? दैट इज़ नथिंग बट dy बाय dx प्लस p ऑफ x यानी फंक्शन इन x इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x यानी फंक्शन इन x। तो देखिए, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, p ऑफ x फंक्शन इन x मल्टीप्लाई विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल्स टू फंक्शन इन x। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि dy बाय dx है प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू q ऑफ x है, यही फॉर्म में रहेगा। ऐसा भी रख सकते हैं जनरल फॉर्म dx बाय dy प्लस p ऑफ y इंटू x इक्वल्स टू q ऑफ y। नहीं, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो देखिए, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। dy बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x। अपन पिछले वीडियो में क्या सीख रहे थे कि वेरिएबल सेपरेबल अलग करके, यानी वेरिएबल्स अलग अलग करके उसका सॉल्यूशंस निकालते थे। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है। तो देखिए, इसको अपन इक्वेशन वन कह दीजिए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इक्वेशन वन को क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ दिस फैक्टर। तो क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स इंटीग्रल ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू y e power integral p of x into dx equals to q of x e power integral p of x into dx। okay, we multiply equation 1 with this factor। now see, ये टर्म पहले लिखने का, ये टर्म बाद में लिखना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y into p of x e power integral p of x dx plus dy by dx e power integral p of x into dx, right answer as it is। इस स्टेप में क्या किया, ये जो टर्म थी ये पहले लिख ली, फिर एडिशन के बाद ये टर्म लिख ली। देखियो, ये टर्म को अपन ऐसे लिख सकते क्या, देखिए d by dx y into e power integral p of x into dx, ये सेकंड टर्म एज इट इज। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, दिस इज u, दिस इज v। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे यू क्या है, y, अपने को फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है यहाँ पे, ये e पावर इसका डेरिवेटिव ले गया इंटू p ऑफ x ले गया प्लस v एज इट इज़ यानी e पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx एज इट इज़, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और u क्या है यहाँ पे, y dy बाय dx लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए, taking integral on both side, integral क्या है, both side लेना है। देखिए, integral, integration और derivative एंटी प्रोसीजर है। यहाँ पे अगर मैंने integration लिया तो derivative के साथ क्या हो जाएगा, cancel। तो बचा क्या, right hand, left hand side में y into e power integral p of x into dx equals to, यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स इंटू
e power p of x into dx. This is the solution. देखिए इसको अपन integrating factor कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? देखिए शुरुआत में what we have did, ये factors अपने क्या किया था, अपन ने multiplying किया था, ये integral factor था, तो इस factor से अपन ने multiply किया था, तो that factor is nothing but what? Integrating factor. Therefore y into integrating factor equals to q of x into integrating factor plus c plus c. Integrate यहाँ पे integrate किया था ना, तो plus c लिखा. तो देखिए ये given differential equation था, इसका solution कैसे बन गया? Y into integrating factor equals to integral of q of x into integrating factor plus c. This is the general solution for a general form of a linear differential equation. What? This is the general solution for a general form of a linear differential equation. तो देखिए integrating यहाँ पे क्या है, integrating factor equals to क्या है, e into e power p of x into dx. ये जो integrating factor था इसके जगह लिखा ना अपन ने. तो देखिए एक simple example लीजिए, आपको उसके थ्रू समझ जाएगा. देखिए dy वाई बाय डी एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री. देखिए सोल्यूशन निकालने से पहले उसको चेक कर लीजिए कि वो जनरल फॉर्म में बैठ रहा है. देखिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, dy वाई बाय डी एक्स है, चल ये क्या है, p ऑफ x यानी फंक्शन इन x, वन बाय एक्स फंक्शन इन x, ओके, मल्टीप्लाइंग विथ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, q ऑफ x इज नथिंग बट वॉट, दिस इज q ऑफ x यानी फंक्शन इन x, एंड वन बाय x क्या हो गया, p ऑफ x. पहले लिख लीजिए हियर p ऑफ x इज वन बाय x एंड q ऑफ x इज x क्यूब माइनस थ्री. तो सोल्यूशन क्या है अपना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. देखिए सॉल्यूशन में पहले अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेना चाहिए. तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, देयरफॉर ई इंटू इंटीग्रल पी ऑफ एक्स क्या है, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, ई पावर इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल वन एक्स, इंटीग्रल वन बाय एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स. तो e और log कट गया तो क्या बचा, x. therefore integrating factor equals to how much, x. तो अब ये जो general form of function था उसमें क्या कट गया, put करना है integrating factor, put करना है. therefore y into integrating factor, integrating factor क्या है, x, put कर दिया. therefore integral q of x कितना है, x cube minus 3 into integrating factor x plus sorry dx प्लस सी, यहाँ पर मैंने डी एक्स नहीं लिखा था, वाई इंटू एक्स. तो देखिए ये एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी. तो देखिए स्लोली वाई इंटू एक्स, एक्स पावर फोर डी एक्स माइनस थ्री टाइम्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, सेपरेट कर लिया वाई इंटू एक्स. इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स पावर फाइव बाय फाइव माइनस थ्री, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी. देखिए बहुत ही सिंपल था, ये हो गया गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. तो देखिए और एक बार समझ लिए, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. ओके, तो उसके बाद वो इक्वेशन को अपन ने मल्टीप्लाई विथ क्या किया, ई पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड दैट बिकम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन. उसके बाद क्या किया अपन ने, टर्म एडजस्ट कर लिया, उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया. फिर उसके बाद एक अपन ने प्रॉब्लम लिया, उसमें पी ऑफ एक्स निकाला, क्यू ऑफ एक्स निकाला, तो जनरल सॉल्यूशन लिख लिया. तो जनरल सॉल्यूशन में पहले अपने को फाइंड आउट करना है
integrating factor, and we know the integrating factor is nothing but the factor we multiply on the beginning of this problem. Okay, so next video mein aur zyada problems dekhenge linear differential equations ke upar. Okay, thank you.